झुंडदा समिति के निर्विरोध चुनाव पर बवाल, जताया आक्रोश। राजसमंद जिले के रेलमंगरा उपखंड क्षेत्र के ग्राम सेवा सहकारी समिति झुंडदा के शुक्रवार को हुए चुनाव के दौरान 3 नामांकन निरस्त होने के साथ ही नानालाल जाट निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, जबकि गणेशलाल जाट भी निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन टीम की जांच में 3 नामांकन निरस्त होने के विरोध में झुंडदा सरपंच मिठू सिंह चौहान सहित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। इधर बताया गया कि निर्वाचन टीम द्वारा चुनाव प्रक्रिया के तहत 12 सदस्यों में से खेमराज गुजर व भोलीराम के आवेदन पहले ही निरस्त कर दिए, जबकि वार्ड 3 से नारायणलाल माली व वार्ड 8 से चंचल पालीवाल का आवेदन भी नियमानुसार निरस्त किया गया। इधर सरपंच मिठू सिंह चौहान सहित कतिपय ग्रामीणों का आरोप है कि निर्वाचन टीम द्वारा जानबूझकर आवेदन निरस्त किए गए हैं, जबकि उसमें कोई भी खामी नहीं थी और न ही किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज करवाई थी। सरपंच मिठू सिंह सहित ग्रामीणों ने निर्वाचन अधिकारी कुबेर सिंह पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। देखिए झुंडदा सरपंच मिठू सिंह क्या कुछ बोले। यहाँ पे सर चुनाव हो रहे सहकारी समिति के, जिसमें अधिकारी द्वारा अपनी मन मर्जी से अपने आदमियों के फार्म तो इन्होंने रख लिए गए और दूसरे आदमियों के फार्म इनकी मन मर्जी से रिजेक्ट कर दिए, जो कि बिना आपत्ति के, जो कोई सिंगल फार्म थे जिसके ऊपर एक वार्ड में सिंगल फार्म है उसके ऊपर अगर कोई आपत्ति नहीं है उस फार्म को भी इन्होंने रिजेक्ट किया है। और व्यक्ति की विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए इन्होंने 14 तारीख को भी फार्म रिजेक्ट करके व्यक्ति विशेष को निर्विरोध निर्वाचित किया और आज भी वापस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में चुनाव अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने बाकी फार्म को रिजेक्ट कर दिया और उनको निर्विरोध निर्वाचित करने की ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामवासी ये चाहते हैं कि जनता ने जो वोट दिया है उसी अनुसार चुनाव हो और जो भी हार जीत हो जो जनता निष्पक्ष करे। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है सरकार से, एक दो ये जो चुनाव है वो जो बिल्कुल फर्जी तरीके से हो रहा है इसको निरस्त करके अतिशीघ्र वापस नए चुनाव करवाए जाए। झुंडदा सरपंच मिठू सिंह चौहान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति झुंडदा के ऋण वितरण में गंभीर घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए और रिकॉर्ड जब्त करने, चुनाव निरस्त करने, नए चुनाव होने तक GSS पर ताला जड़ने और GSS के समस्त आय व्यय का रिकॉर्ड जब्त करने की मांग की गई। इस पर तहसीलदार डॉक्टर शर्मा ने उनकी मांग के अनुसार उचित कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सहित पत्रावलियां भेजने का आश्वासन दिया। इधर तहसीलदार ने बताया कि चुनाव में सरपंच और उनके समर्थकों द्वारा जो शिकायत दी गई हैं उसे प्राप्त कर उच्चाधिकारियों को भेजने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल चुनाव हो चुके हैं और अब शिकायत के आधार पर उच्चाधिकारियों से जो कोई निर्देश मिलेंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए रेलमगरा तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा क्या कुछ बोले। आज ग्राम सेवा सहकारी समिति झुंडदा में इलेक्शन थे, जिसके अंदर 4 लोग इलेक्शन में खड़े हुए, इसमें जो 3 व्यक्ति थे उनके फॉर्म किसी वजह से RO साहब जो है रिटर्निंग ऑफिसर इस इलेक्शन के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से जो 4th व्यक्ति थे वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसका रिजल्ट जैसे ही बाहर लगाया तो लोगों में काफ़ी आक्रोश है और उनका ये कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने गलत तरीके से फॉर्म को रिजेक्ट किया। इसके लिए हमने आज इनसे एप्लीकेशन ले ली है, इन लोगों से एप्लीकेशन लेके हम आज ही फॉरवर्ड कर रहे हैं और हम आगे भी अथॉरिटी को लिखेंगे कि इसमें निष्पक्ष जांच करी जाए ताकि लोगों को संतुष्टि मिल सके। तो सर ये लोग दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, तो सर अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा चुनाव होगा, अभी के लिए यही रिजल्ट फाइनल है, लेकिन हाँ जो भी इन्होंने हमको ज्ञापन दिया है इसके ऊपर जांच के लिए हम उच्च अधिकारी को लिखेंगे ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और उसमें अगर कोई फैसला आता है तो फिर वो देखने वाली बात होगी। ज्ञापन के बाद ग्रामीण शांत हो गए। इधर कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर कुंवरिया थाना प्रभारी लालूराम मय पुलिस जाब्ते के तैनात रहे। इधर चुनाव फिलहाल हो चुके हैं, जिसमें नानालाल जाट निर्विरोध अध्यक्ष और गणेश लाल जाट को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है, जो निर्वाचित घोषित रहेंगे और उच्चाधिकारियों के कोई निर्देश मिलेंगे तब इसमें कोई बदलाव हो सकता है। फिलहाल ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पूरी कार्यकारिणी के चुनाव यथावत रहेंगे।